डियर व्यूवर्स एंड लर्नर्स, आज हम कोरल ड्रॉ जो कि एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करता हूं और मैं कोरल ड्रॉ यहां टाइप करता हूं। मेरे पास कोरल ड्रॉ इंस्टॉल किया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि कोरल ड्रॉ इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से डी पार्टीशन में जाता हूँ और मेरे पास कोरल ड्रॉ जो सॉफ्टवेयर है उसका बैकअप मौजूद है। मैं यहाँ से फाइंड करता हूँ कोरल ड्रॉ 12, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। ये देखें, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, कोरल ड्रॉ 12 पे मैं या तो राइट क्लिक करके ओपन करें या ओपन पे क्लिक करें या डबल क्लिक करें, एक ही बात है। मैं इस पर इंटर दबाता हूँ कीबोर्ड से। इंटर दबाने के बाद ये जो कोरल ड्रॉ 12 लिखा हुआ है, इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ। इसमें दो चीज़ें मैंने ओपन करनी है। सबसे पहले मैं ये जो यहाँ लिखा हुआ है सीरियल .txt टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, पहले मैं ये ओपन करता हूँ। इसमें एक सीरियल नंबर होगा यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने कॉपी करके पेस्ट करना होता है। और फिर मैं ये सेटअप डॉट एग्जी एग्जीक्यूशन फाइल है, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। तो ये जो एग्जीक्यूशन फाइल है ये पहले एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, एक्सट्रैक्टिंग फ्राम कोरल ड्रॉ 12.rar, और उसके बाद ये एग्जीक्यूशन फाइल जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा 97.8%, ठीक है, यस। अब मैं ज़रा इसको विंद्रार की जो फाइल है इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कोरल ड्रॉ 12 ग्राफिक सूट 12 कोरल ड्रॉ ग्राफिक सूट 12 ये मेरे सामने ओपन हो गया। मैं यहाँ पर चेक लगा देता हूँ इस डायलॉग बॉक्स में, आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन आप कुछ भी लिख दें, मैं ABC लिख देता हूँ, ABC ऑर्गेनाइजेशन तो खैर नहीं होता, कोई भी नाम लिखते हैं, ना लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ। ये जो सीरियल नंबर है, हम यहाँ से ये जो फाइल है यहाँ से मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, पहले यहाँ तक मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाया और फिर ये यहाँ पर टैब दबा के पेस्ट कर दिया। अगर आप लिखना चाहें तो इस नंबर को देख के आप टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है, और फिर इस नंबर को कॉपी करके यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, और आखिर में ये जो नंबर है इसको कॉपी किया और ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। मैंने कोई चेंजेस इसमें नहीं करनी। डेस्टिनेशन फोल्डर, कि किस फोल्डर में आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं इसको कह रहा हूँ कि इंस्टॉल कोरल ड्रॉ ग्राफिक्स सूट 12 टू C:\ प्रोग्राम फाइल्स पैरेंथेसिस x86 वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं इसको नॉर्मली रहने देता हूँ मेरे पास, क्योंकि देखें मैं माय कंप्यूटर ओपन करता हूँ, ये मेरे पास सी पार्टीशन है, इस पार्टीशन में एप्लीकेशंस इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास इसमें जगह बहुत है, 34.6 GB जो है वो मेरे पास फ्री है, तो लिहाजा मैं इसी में इंस्टॉल कर देता हूँ, मैं किसी कहीं और इंस्टॉल नहीं करता, ठीक है। तो इंस्टॉल पर मैं क्लिक कर देता हूँ और इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई, ठीक है। मैं क्लोज़ कर देता हूँ इसे भी और ये जो फोल्डर है इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा जब तक मैं वेट कर लेता हूँ। तो टाइम रिमेनिंग यहाँ पर शो कर रहा है 1 सेकंड या वगैरह वगैरह। अच्छा, यहाँ पर ये जो डायलॉग बॉक्स है प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, तो फ़िलहाल मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करनी क्योंकि मैंने सीरियल की इसको दे दी और ये क्रैक सॉफ्टवेयर है, तो लिहाजा इसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज़ चूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन ऑप्शंस, रजिस्टर नाउ रिक्वायर्स एन इंटरनेट कनेक्शन, रजिस्टर लेटर आफ्टर 15 डेज। मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, ओके। अब जो दूसरा डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें मैंने क्या करना है, जो लास्ट ऑप्शन है नेवर रजिस्टर, ठीक है, इस पर चेक लगा के ओके प्रेस कर देना है। ये मुझे बता रहा है इफ़ यू चूज़ Not to register, your product will be unable to gain immediate access to technical support, regular updates वगैरह वगैरह, ठीक है, ओके, फिनिश। तो मेरे पास कोरल ड्रॉ 12 जो है वो इंस्टॉल हो गया। अब क्या है, मैं स्टार्ट बटन पर जाता हूँ, यहाँ से ढूंढता हूँ कोरल ड्रॉ 12 कहाँ है। अगर नज़र नहीं आ रहा है तो ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें और नीचे आ जाएं, यहाँ पर लिखा हुआ होगा कोरल ड्रॉ ग्राफिक्स सूट 12। अब यहाँ पर मैं ये जो निशान है आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ
और सेंड टू पे क्लिक करके डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे इसका शॉर्टकट बना देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट आ गया। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और कोरल ड्रा ओपन करता हूँ। तो ये कोरल ड्रा ओपन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया और सॉरी इंस्टॉल करने का। नेक्स्ट लेसन में हम ये सीखेंगे कि हम इसको ओपन करके इस पर वर्किंग कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।